दो पंक्तियां लिखी हैं, अगर पसंद आए तो दाद जरूर दीजिएगा। मेरी कलम से लिखे अल्फाज जैसे आधी बोतल शराब। शुक्रिया, आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आज का थीम है, मैंने सेकंड पिक्चर चूज़ की है, जैसे हर कोई चूज़ कर रहा है, जिसका है मतलब है मुरझाया गुलाब। तो मेन पोएट्री पे आने से पहले चार पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ। एक नज़्म है कि गुलदस्ता भरा गुलाब से किताबें भरी ख्वाब से। शुक्रिया। गुलदस्ता भरा गुलाब से किताबें भरी ख्वाब से, कहानी के अंत में ख्वाबों के दबाव से मुरझाया गुलाब आदाब से। शुक्रिया, आगे बढ़ता हूँ, पंक्ति पे आता हूँ, पंक्ति शुरू करता हूँ। मेरी किताब का पहला पन्ना आदाब से शुरू होता है, हर एक पन्ना अल्फाज से बुना होता है। बीच कहीं किताब में एक मुरझाया गुलाब पड़ा होता है। उसके नीचे मेरी तमाम कायनात से भरा एक रास का पन्ना मुड़ा होता है। पन्ना खुलते ही मेरी अधूरी मोहब्बत का असली भाव समझ आता है। तब ना जाने ना चाहते हुए भी हर कोई मेरे जज्बात से जुड़ा होता है। शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ, आप में से कोई डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पे? कोई डॉक्टर तो नहीं है? ओह माय गॉड, सो हियर वी गो। मेरा मानना है डॉक्टर और गर्लफ्रेंड में ना कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं। डॉक्टर भी लेट आता है, वो भी लेट आती है, ठीक है? डॉक्टर की आधी हैंडराइटिंग समझ में आती है तो गर्लफ्रेंड की कहीं बात आधी समझ में आती है और आधी कहीं और चली जाती है, ठीक है? बस दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है, दोनों के दोनों एक बड़ा करारा सा दर्द देके जाते हैं। बस फर्क इतना है कि डॉक्टर का दर्द हम बम में संभाले रखते हैं और उसका दिया दर्द हम दिल में संभाले रखते हैं। तो उसी पे पेश करने जा रहा हूँ कि दिल में आना जाना इतना आसान नहीं होता, पल भर का कोई मेहमान नहीं होता। जब कोई चुपके से दिल में बस जाता है एक मीठा सा एहसास दे जाता है, उस एहसास का एहसान चुकाना इतना आसान नहीं होता। इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ, दो पंक्तियों से एंड करना चाहूँगा, मेरे दिल के बड़े करीब हैं। अभी ख्वाबों की बात हुई थी उस वाली पोएट्री में, तो उन ख्वाबों पे बेस्ड है ये तीन पंक्तियाँ, ठीक है? इमेजिन कीजिए कि जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का स्टार्टअप हुआ होगा, यानी कि रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई होगी, तो वो किस प्रकार रही होगी, ठीक है? हालांकि हर कोई ना उस कागार पे आता है जहाँ पे हाँ या ना वाली बात होती है, तो ऐसे ही विराट कोहली ने एक ख्वाब देख लिया। किसके लिए? अनुष्का शर्मा के लिए, ठीक है? तो इस पे तीन पंक्तियां पेश करने जा रहा हूँ। कभी तो ख्वाब ऐसा आए कि दिल की खिड़की उनकी हो और बॉल मेरी पार हो जाए। शुक्रिया। That's all my friends.